361 देखो अपने खाप कैसे रहते ना, ऐसे बड़े बड़े रहते, समझ आए? और अपने को 19 का स्क्वायर बोले, बोले क्या है सर? ओके, खाप बड़े बड़े लेकिन पढ़ूंगा नहीं, समझ आया? फिर बाद में भगवान को कोसेगा, बड़े बड़े लोगों को देख के जलेगा, बोले उसकी किस्मत अच्छी थी, इस वजह किस्मत नहीं पढ़ाई की थी उसने, समझ आ रहा है ना? 19 का स्क्वायर 20 का, 25 का 625, तो भगवान के लिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर लेना भैया, घर पे ढंग से कर लेना। बोले प्रॉब्लम है स्क्वायर स्क्वायर रूट नहीं आ रहा ना, ये मत रखना, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों क्लियर कर लेना। बोले रूट 144 ये सारी चीजें लिखने आनी चाहिए, ठीक है? फॉर्मेलिटी के लिए इस पे दो न्यूमेरिकल करेंगे, बस दो न्यूमेरिकल, स्क्वायर स्क्वायर रूट पे दो न्यूमेरिकल कर लेंगे, घर जाके उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, वो किस में आ जाएगा? स्क्वायर और स्क्वायर रूट में। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, सेकंड बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन में हम लिखेंगे स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। ओके, दो ही न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में घुसेंगे। ओके, पहला न्यूमेरिकल देखो, इसमें लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 144 इंटू 625, बातें मत करो बेटा, इंटू यहां पे लिखेंगे 400 डिवाइडेड बाय इधर क्या लिखेंगे 200 ले लो, 200 का रूट निकलेगा क्या? नहीं, फिर ये तो इन्वेंशन ही हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे 900 इंटू 25 इंटू 9, चलो ठीक है। ओके, सॉल्व करो, देख रहे, सॉल्व करो इसको। ओके, सेकेंड वन जल्दी जल्दी करो, चलो सेकेंड वन अंडर रूट ऑफ 1600 इंटू 196 इंटू 361 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 4 इंटू 9। चलो भाई जल्दी जल्दी करो, फास्ट, पॉइंट में निकाल लिया बेटा तूने, ठीक है, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड निकालो, सेकंड का निकालो, चलो चलो देखो, बोलो 144 का रूट बोलो 12, 625 का 400 का सबको आता है डिवाइडेड बाय 900 का बोलो 30, 25 का बोलो 9 का, ठीक है, जो कैंसिलेशन होता है वो कर लेंगे, क्या करेंगे 3 1 1 3 4 12, क्लियर है? ये जीरो से ये जीरो कैंसल, और कुछ हो सकता है? बिल्कुल, 5 1 1 5 5 25, अब क्या करेंगे? कुछ कैंसिल होगा नहीं, 5 4 20 22 40, तो कितना आएगा ये 40/3, ऐसे ही ऑप्शन आएगा 40/3, क्लियर है? इसका बोलो भाई 1600 का रूट 40, 196 का, वेरी गुड, कितना 14, सही है ना, इंटू 361 का, सही है ना, 19 डिवाइडेड बाय, हाँ 20 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, पॉइंट में नहीं निकालना होता बेटा, ठीक है ना, इस हाँ बेटा 266/3 कर रहा है। देखो मैं कैसे करता है इसको, मान लो वो ऑप्शन में नहीं है, तो मैं 20 और 19 को कैंसिल करता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, बिल्कुल करना, वो ऑप्शन डिसाइड करते हैं, ऑप्शन कैसे, अगर प्योर रेशियो होगा तब नहीं करना, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर पॉइंट में आंसर है तो 20 और 90 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा इधर 7, कितना आएगा 7, और 7 4 28, तो क्या आएगा ये 280/3, 280/3, तो 3 1 1 3 9 27, एक बचा 3 3 जा, इसके आगे करेंगे क्या? नहीं, देखेंगे 95 के नजदीक कौन है, वो तुम्हारा आंसर होगा, जो 95 के नजदीक होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो पहले पेज में हमने बेसिक कैलकुलेशन सीखे, सिंपल सिंपल सा एडिशन सब्सट्रैक्शन, दूसरे पे क्या किया, स्क्वायर स्क्वायर रूट प्रैक्टिस कर लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट प्रैक्टिस कर लिया, क्लियर है? ठीक है, और सिंपल एक चीज कवर करेंगे तीसरे में, देखो रेशियो रेशियो
इसमें रेशियोस कवर करेंगे, फटाफट फटाफट रूल लिखेंगे, दो तीन न्यूमेरिकल करेंगे, 15 मिनट जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, अगर किसी को नहीं आता है तो रिवाइज हो जाएगा। ओके जल्दी जल्दी बताओ, मान लो एक चीज बताना बेटा, चलो अगर आपको आ रहा है तो सिर्फ फॉर्मूले लिखूंगा मैं, न्यूमेरिकल अवॉइड करेंगे, नहीं आ रहा है तो उधर भी रुकाएंगे, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, ए डिवाइडेड बाय बी जो होता है, इसमें जो ऊपर लिखा है उसको क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। नीचे जो लिखा है उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। क्लियर है? ठीक है, ओके। एक बात सुनना, मान लो ऐसा है, क्या है कि ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी डिवाइडेड बाय डी, बेटा कैसे सॉल्व होगा ये? सबसे पहले तो आप देखेंगे बेस सेम करने आता है क्या, ठीक है, जैसे अभी कर रहे थे। ओके, अगर नहीं आ रहा तो अपनी ट्रेडिशनल मेथड, चलो ट्रेडिशनल मेथड बताओ क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाय बी इंटू डी, बी इंटू डी, सबको आता है बेटा ये? सबको आता है, वेरी गुड। चलो थर्ड वन, इसका सब्सट्रैक्शन लिख देता हूं मैं, ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी डिवाइडेड बाय डी, बताओ बेटा, ए इंटू डी, ए इंटू डी, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी अपॉन बी इंटू डी, सबको आता है भाई ये? बी इंटू डी सबको आता है, चलो ठीक है, क्लियर। अच्छा ये बताना, ये बताना, मान लो ऐसे बेटा, क्या है कि ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी डिवाइडेड बाय डी, इसको कैसे करेगा? डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, सबको समझ आता है? अब क्या करते हो तुम, ये रूल इधर लगा देते हो, ऐसे होता है क्या? नहीं, बोले क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे चलेगा क्या? नहीं, क्या लिखेगा बोल? वेरी गुड, ए सी अपॉन बी डी, मानता है? ए सी अपॉन बी डी, क्लियर है? फिफ्थ वन, अब ये इंटरेस्टिंग है, पांचवा और छठा और सातवा, इसके तीनों इंटरेस्टिंग है। मान लो ऐसा है बेटा, देखा, ध्यान से सुन, ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी, गलत, ए अपॉन बी सी, परफेक्ट, ए अपॉन बी सी, ये क्या है? हाँ, क्या है वो? न्यूमरेटर। ये क्या है? डिनोमिनेटर। ये क्या है? हाँ, वेरी गुड, डिनोमिनेटर। ये बैच में कुछ स्मार्ट लगी, हाँ, हर बैच में ऐसे नहीं बोला मैंने, बिकॉज मैं सवेरे से के दो बैच में बोला ये क्या है, बोले तो बोल रहे थे ए है, बोला मेरे को नहीं आता क्या ए वो, ओके ये क्या है, बोले तो ए बोले, ए है क्या वो? नहीं, वो न्यूमरेटर है। क्या है वो? न्यूमरेटर। ये भी डिनोमिनेटर, तो दोनों डिनोमिनेटर को एक जगह लिखेंगे, क्या आ जाएगा फिर ये बोल? ए अपॉन बी सी, समझा? अब देख जादू, वो जो बच्ची बोल रही थी, अब देखो आएगा क्या, ए डिवाइडेड बाय बी बाय सी, अब बोल क्या है ये क्या है? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है। सी किधर जाएगा? ऊपर, तो क्या आएगा ये? ए सी अपॉन बी, ए सी अपॉन बी, ठीक है बेटा। लास्ट लास्ट ले लेंगे एक, फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। क्या आएगा ये? ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी, ध्यान से बता बेटा, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर नहीं है वो, ये, अरे ये क्या है? ठीक है, हाँ, ये क्या है? हाँ, क्या है वो? डिनोमिनेटर ही है, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, क्या लिखेगा बोल? ए इंटू डी अपॉन बी सी, ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, बी इंटू सी, किसी कोई तकलीफ? दो तीन चीजें अपने क्लास के लिए क्लियर करो, कोई भी कभी भी उठ के जा सकता है, कभी भी आ सकता है, नो मे आई कम इन, नो कैन आई गो, कोई टेंशन नहीं, ओके, बी रिलैक्स, घर का बोर्ड है अपना, टेंशन लेना। दूसरा, जिसको भी जो भी डाउट लगे पूछ के, खड़े होके पूछ लेना, बस ऐसे मत करना बोले किसी और ख्यालों में डूबा है, फिर बोला सर और एक बार नाचो, ऐसे मत करना, ठीक है, ध्यान से सुनना, नहीं समझ आने पर इधर रोक लेना, इधर रोकने में डर लग रहा है बाहर आके पीछे से पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और अगर टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो आगे मत जाने देना भगवान के लिए, बिकॉज कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते चलते हैं, फिर मास्टर को लगता है सबको समझ आ रहा है, तू अगर तेरे को समझ नहीं आ रहा चुप बैठ रहा है तो तेरी गलती है। वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला है, अन्याय करना अपेक्षा अन्याय सहन करना मोटा गुनेगार, फिर अन्याय करना कौन? मैं तो तुम अन्याय सहन मत करना, समझ आ रहा है? इसके न्यूमेरिकल लेना है कि आगे कंटिन्यू करना है? आगे कंटिन्यू, वेरी गुड, लेना है न्यूमेरिकल इसके, ठीक है, ये आगे जाएंगे।
अब आएंगे, ये थर्ड था ना, कौन सा था? थर्ड वन था, ठीक है चलो। फोर्थ वन रूल्स ऑफ इंडाइसेस, फॉर्मेलिटी के लिए ले लेंगे बेटा, कुछ नहीं, 10-10 मिनट इन्वेस्ट होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल्स ऑफ इंडाइसेस ध्यान से देखना, रूल्स ऑफ इंडाइसेस एकदम स्पीड में लेंगे, कोई टेंशन नहीं, फोकस करना, रूल्स ऑफ इंडाइसेस। ओके, एक बात बताओ, पहला कोई भी नंबर है, बातें मत करो बेटा, रिलैक्स। ओके, कोई भी नंबर है, इसका जीरोथ पावर कितना आता है? सबको आता है? कुछ भी रहने दो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नंबर रहने दो, उसका जीरोथ पावर कितना आता है? वन। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ऐसा है, ए टू द पावर एम और उसका पावर एन है, तो ऐड करेंगे कि मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ए टू द पावर एम इंटू एन, एम इंटू एन, क्लियर है? अच्छा इसका एग्जांपल देखो, मान लो ऐसा है, क्या रूट ए टू द पावर थ्री, कैसे सॉल्व होगा बोलो? रूट ए को क्या लिखोगे? सर रूट ए को लिखेंगे, रूट ए को लिखेंगे ए टू दी पावर वन बाई टू, सबको आता है ये, और उसका पावर कितना लिखेंगे? थ्री, सही है? तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमको आता है थ्री इंटू वन बाई टू, क्या? थ्री बाय टू, तो क्या हो गया ये? ए टू दी पावर थ्री बाय टू, ए टू दी पावर थ्री बाय टू, ठीक है। अच्छा थर्ड वन, मान लो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो और बेस कैसा है? सेम है, जैसे कि ए टू दी पावर एम इन टू ए टू दी पावर एन, तो बेटा बेस सेम होने पे पावर एड होंगे, तो क्या आएगा? ए टू दी पावर ए टू दी पावर एम प्लस एन। फॉर्मेलिटी के लिए इधर इसका एग्जांपल चिपका देंगे, ध्यान से सुनो, मान लो ऐसे टू टू दी पावर फाइव इन टू 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 दी पावर हाफ, टू टू दी पावर फाइव टू टू दी पावर हाफ, दोनों का बेस सेम है, टू टू, पावर क्या हो जाएंगे? एड। बोल, फाइव प्लस हाफ 11/2, साढ़े पांच, पांच और आधा कितना? साढ़े पांच, साढ़े पांच कितना होता है? 11/2, समझ आ रहा है सबको? वेरी गुड, तो ये क्या आ गया? 2 to the power 11/2, 11/2, 1, 2, 3, अच्छा ठीक है। फोर्थ रूल ध्यान से देखना, मान लो नीचे प्लस पावर है ए का, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? ए टू दी पावर माइनस एम, ए टू दी पावर माइनस एम। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, मान लो 1/10 to the power -11 है, ये अपने जी में होता है ना, माइनस 11 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 10 to the power 11, क्लियर है? ठीक है। फिफ्थ वन, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन का, हो गया ओके, ठीक है। डिविजन करेंगे, ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर एन, बहुत सिंपल है बेटा, नीचे का प्लस पावर ऊपर जाके माइनस, सबको समझ आ रहा है? सो जाओ मत रे, ओके। तो क्या आ गया? ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर माइनस एन, तो बेस सेम है, ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे लेकिन सब्सट्रैक्ट होंगे, समझ आ रहा है? बिकॉज एक माइनस है, क्या लिखोगे? ए टू दी पावर एम माइनस एन, एम माइनस एन, क्लियर है? अच्छा इसका एग्जाम्पल देखो, मान लो ऐसा है, क्या 10 to the power 12 डिवाइडेड बाय 10 to the power -6, माइनस सिक्स ऊपर जाके प्लस सिक्स, ऊपर 12 है, 12 + 6 = 18, तो क्या आ जाएगा? 10 to the power 18, 10 to the power 18, क्लियर है? चलो इस पे दो न्यूमेरिकल सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर और समझाऊंगा इस पे। देखो पहला एग्जाम्पल मान लो ये है 125 to the power 2/3, ये सॉल्व करो, तीन कर लेंगे चलो। सेकेंड 110,000 to the power 3/4, और तीसरा बहुत स्मार्ट बन रहे हो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूँ, 0.0001 to the power 1, 2, 3, 4 7/4, चलो सॉल्व करो फास्ट। वेरी गुड, तीनों सॉल्व करो बेटा, फिर अपन जज करेंगे, जल्दी सभी लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा आपने 11 सीखा था पूरा, 11 का फिजिक्स
कितने जनों ने बिल्कुल 11th का एक फिजिक्स ऑफलाइन लेक्चर किया ही नहीं? ऑफलाइन ऑफलाइन। अच्छा, कितने जन ने पूरा 11th का फिजिक्स किया ऑफलाइन? तो बाकी के क्या कर रहे थे फिर? किया भी नहीं और नहीं में भी है तो आधा आधा किया। चलो ठीक है, हाँ कर लिया सॉल्व। ये देखो, हाँ ये कैसे करेंगे भाई? देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करता, आंसर नहीं चाहिए मेरे को, बिकॉज ये कोई स्कॉलरशिप एग्जाम नहीं है। स्टेप क्या यूज करना है, देखो कैसे प्रोसीड करना है। मैं क्या करता, इसको 125 मेरे को याद आता कि भाई इसका क्यूब रूट निकलता है, तो मैं इसको लिखता रेस टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 2। लिख सकता हूं कि नहीं? समझा कि नहीं? हाँ, मतलब ऐसे आया तो ऐसे लिखा करो। अच्छा, 125 का क्यूब रूट 5, तो क्या आ जाएगा बेटा ये? सर ये आएगा 5 का स्क्वायर। अरे स्क्वायर, क्यूब रूट तो निकल गया ना, बचा क्या? स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25। कितने जन का आया था रे? और बाकी के क्या कर रहे फिर? अरे सॉल्व करो, नहीं तो नहीं आ रहा तो रुकाओ भाई वहां पे, आगे मत बढ़ने दो, बिकॉज ये सारी चीजें नहीं आएंगी तो फिजिक्स नहीं आएगा। आपको बात समझना, रोक लेना, आगे मत जाने देना। बोले रूल्स ऑफ इंडाइसेस तो है, मेरे को आता है। आता नहीं, सिर्फ तूने सुना है, तेरे को आता जाता कुछ नहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ चलो ये देखो, अब देख मैं इसको कैसे सॉल्व करता। देखा पावर गिनता, जरूरी गिनता 1, 2, 3, 4। अच्छा ये बड़ा नंबर है कि छोटा? बड़ा, तो पावर प्लस आएगा कि माइनस? प्लस। क्या आएगा? प्लस। कितने जीरो है? 1, 2, 3, 4। तो इसको बेटा मैं लिखूंगा 10^4। ध्यान से देख, मैं स्टेप समझा रहा हूं, मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं है। इसका पावर मैं लिखता 3/4। इनिशियली एक्यूरेसी पे ध्यान देना, स्पीड पे कोई फोकस नहीं करेगा, गड़बड़ मत करना, गड़बड़ करोगे फंसोगे। समझ आ रहा है? एक्यूरेसी पे ध्यान दो। अच्छा अब इसको कैसे लिखता मैं? यहां सीखा है मैंने, यहां सीखा है। बोले पहले देखो क्या निकलेगा, यहां 4 है, यहां 4 है, कैंसिल हो सकता है। ओके तो ये 4, ये 4 कैंसिल। कौन से रूल से? ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन, तो एम इंटू एन, 4 4 कैंसिल, तो क्या आ गया 10^3। 1000 होगा तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताए छोटा नंबर है कि बड़ा? तो पावर माइनस आएगा, माइनस आएगा, और उसमें 1 भी कैलकुलेट गिनने का तू, मतलब देख कितने, 1, 2, 3, 4, 10^-4, 10^-4, 10^-4, 2^ कितना है भाई? 7/4। मानता है कि नहीं? क्या ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल कैंसिल होगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, -1 बचेगा, -1 × 7, -7, तो ये कितना आ जाएगा? 10^-7, 10^-7, ठीक है। रूल्स ऑफ इंडेक्सेस क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एक बार देख लेंगे क्या क्या देखा हमने। देख भाई, हाँ देख, चल मैथमेटिकल टूल स्टार्ट किया था हमने। मैथमेटिकल टूल क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं, लैंग्वेज, लैंग्वेज टू स्टडी द फिजिक्स। गड़बड़ बिल्कुल मत करो, मेरे को पता है बहुत दिन से तुम्हारा रोजा है, बहुत डेटा दूंगा, टेंशन मत लो, पढ़ पढ़ के थक जाओगे। समझ आ रहा है? लिख लिख के थक जाओगे, टेंशन मत देना, बहुत गड़बड़ करते हो तुम। ओके, लैंग्वेज टू स्टडी द फिजिक्स। ओके, मैथमेटिक्स क्या है? लैंग्वेज टू स्टडी द फिजिक्स। बेटा पहले हमने बेसिक चीजें सीखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिकॉज इधर ही फंसोगे तो, मेरे को पता है। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देख लेना। और इसमें अगर नहीं आ रहा है, अगर बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा है तो अपन क्लास में लेंगे, और अगर आपको पर्सनली नहीं आ रहा है तो पर्सनली आके सीख लेना मेरे से। ओके ठीक है, आगे देखो, ये क्या है भाई? स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसमें क्या करना है, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, ये सब आपको लर्न करने, यहां लिख देता हूं मैं, या फिर समझ लेना आप। आपको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये सारी चीजें लर्न कर लेनी है, उसके उस पे बेस इसलिए लिखा गया है। ओके, उसके बाद ये रेशियोज, ठीक है, नीचे ऊपर कैसे जाता है, ऊपर का नीचे कैसे आता है, एडजस्टमेंट कैसे होता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये सारी बेसिक चीजें हमने इसमें सीखी, ठीक है। ओके, इसके बाद रूल्स ऑफ इंडेक्सेस, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके आराम से, ओके ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें। ओके अब क्या करेंगे, इस पे मर्ज 2 न्यूमेरिकल लेंगे, बस 2 न्यूमेरिकल, इस पे बेस 2 न्यूमेरिकल लेंगे, तुमको सॉल्व करना है, फाइनल आंसर निकालो फिर मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए, ठीक है। चलो पहला एग्जांपल मान लो ऐसा है, 1.5 × 0.33 × 10^-11 × 0.66 डिवाइडेड बाय 0.5 × 10^3 × 1.25 ×
0.25 इंटू 10 to the power 2। चलो इसको सिस्टमेटिक सॉल्व करो, पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, मैक्सिमम रेशियो लाओ इसका, मतलब पूरा आना चाहिए। और दूसरा ये करना बेटा, सेकेंड वन ऐसे करना, ठीक है, 0.66 इंटू 10 to the power -11 इंटू, एक बात बताओ बेटा, अर्थ का मास कितना होता है? वेरी गुड, 6 × 10 to the power 24। अर्थ का तो कोई भी बता सकता है बिकॉज हम उस पर रहते हैं। सूरज का बताओ, सन का मास ऑफ सन, मास ऑफ सन याद है किसी को? सन का मास कितना होता है? 2 × 10 to the power 30। वेरी गुड,